हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माडी सर क्लासेस। फिर मैं आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में अपन नवोदय की आकृति की सीरीज चल रही है अपने। तो इस वीडियो में अपन छठे पार्ट पे आ गए। छठा पार्ट जो है वो है ज्यामिति आकृति पूर्ति। ये अपना छठा पार्ट है। तो इसमें 10 प्रकार की आकृतियां आएगी। तो 10 प्रकार की आकृतियां, जिसमें से अपन 6 प्रकार की आकृतियां पढ़ ली है। तो अपन 4 प्रकार की आकृतियां और बची। जो अगले जो 4 वीडियो बनेंगे मेरे, उन 4 वीडियो में अपन चारों पार्ट बच रहे हैं, वो 4 पार्ट अपन देख लेंगे। और इस वीडियो में अपन 6 पार्ट देखते हैं। ये ज्यामिति आकृति पूर्ति। तो इसमें अपन आकृतियां देखते हैं, किस प्रकार की आकृति आती है। तो अपन आकृति इसकी ट्रिक है, इसमें अपन को आधी आकृति दी जाएगी, अपन ने उसको पूरा करने की ट्रिक लगानी। तो अपन देखते हैं उदाहरण, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। इस प्रकार का अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। तो इस आकृति में क्या आएगा, इस आकृति में कौन सा पैटर्न आएगा? तो उनको तो पैटर्न देखना है किसमें कौन सी आकृति आएगी। इतना भाग और बच रहा है, इतना और, तो इतने में कौन सी आकृति आएगी अपन को देखना है। तो अपन इसकी ट्रिक है, इसको अपन करना कुछ नहीं है, क्या इसको पूरा कर दीजिए और इसको मिटा दीजिए आंसर। ये अपन कर लिया। तो आप जब भी ऐसे आकृति को करें, पर आप ऐसे बनाए ना उसको, आप केवल लॉजिक लगाइए कि इसमें सा बंद करेंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो अपन क्या किया, लॉजिक लगाया। तो अपन ने सीख रहे इसलिए अपन ने बना ली। तो इसको अपन ज्यादा कठिन आ जाए तो आप बना भी सकते हैं। तो अपन अब इसके उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं अपन फर्स्ट। यह क्या अपना उदाहरण नंबर फर्स्ट। अपन अब चलते हैं इसके ऑप्शन पर। अपन इसके ऑप्शन पे चलते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन इस प्रकार का। तो अपन इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन पे चलते हैं अपन पहले ऑप्शन पर। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रकार का, इस प्रकार का पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन है इस प्रकार का, दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। इसको अपन ऐसा सही है वो। तीसरा ऑप्शन जो है तीसरा, और जो बचा है लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर जो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रकार का ऑप्शन है। इस प्रकार का ऑप्शन है 4 ऑप्शन। तो अपन को अपन इसको बंद कर देंगे, वैसे आकर के अपन नीचे बनाते हैं। अपन अपनी ट्रिक से इस आकृति को करते हैं। थोड़ा सा बीच में समझ लीजिएगा। तो अगर इसको पूरा करेंगे तो ये अपन ने इसको पूरा कर दिया। तो अगर इसको मिटा देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति का अपना जो है आंसर है। तो अगर इसके ऑप्शन पे देख लेते हैं, ऐसा ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर
बाहर होना था। दूसरा ऑप्शन ही इसका। देखिए इसमें मुंह बाहर हो रहा है, मुंह बाहर हो रहा है तो मुंह तो बाहर ही है, तो इसका बाहर मुंह होना था, तो ये सही आंसर हो गया अपना। तीसरा ऑप्शन, तीसरा तो उल्टा है। और चौथा है, चौथे में है, और ये बहुत ऊपर है, तो ये तो बहुत ऊपर है, तो मैं इसको मिटाकर दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं अपन। तो अपन अब ऑप्शन उदाहरण नंबर चलते हैं सेकंड पर। तो अपन इसमें पहले से लिख लिए है, तो अपन अब इसके अंदर क्यों आकृति बनाते हैं। पहले मैं इसमें अपन बना लेते हैं, इस प्रकार से अपन आकृति बना लेते हैं। तो ये जो भाग बच रहा है इतना सारा, इसमें क्या आएगा ये अपन को देखना है। तो अपन इसके ऑप्शन में चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, होगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, इस प्रकार का। ये चार ऑप्शन है, और इस सब पे क्या आएगा है अपन को देखना है। तो भाई इसको ऐसे बनाते हैं यहाँ पर। तो इसको अपन पूरा कर देंगे, इसको मिटा देंगे। कैसी आकृति बनी, इस प्रकार की? तो इस प्रकार का अपन ऑप्शन देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नीचे मुंह है इसका। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, तो इसका आंसर दूसरा ही है। इसका आंसर दूसरा ही है, कैसे? क्योंकि और तीसरे जो ऑप्शन को देखिए, तो इनके मुंह तो इधर उधर है, और इसका नीचे और इसका ऊपर है, ऐसी आकृति है, तो इसका आंसर हो गया। तो आप इसी आगे जो घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।